हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज लिनोवो की मशीन लाए हैं, बिल्कुल लो बजट। जो लोगों का लो बजट है उन लोगों के लिए कोर i5 फर्स्ट जनरेशन लिनोवो की बहुत बड़ी स्क्रीन के साथ ये देखें मशीन लाए हैं। तो इसका आज आपको पूरा रिव्यू दिखाएंगे, इसमें क्या क्या, इसमें हार्ड ड्राइव क्या लगी हुई है, रैम क्या लगी हुई है और कौन सा इसमें प्रोसेसर है, तो और साइज़ वगैरह पूरी डिटेल वीडियो में बताएँगे। तो इससे पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है कि में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जितनी भी हम नई वीडियोस बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक जो है वो ज़रूर कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो चलो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और आपको लैपटॉप का पूरा रिव्यू पूरी डिटेल बताते हैं। जी तो दोस्तों अब आपको हम लैपटॉप के शेप जो है दिखाते हैं। ये देखें इसकी मोटाई कितनी है और जो इसका साइज़ है वो भी आप देख रहे हैं कि साइज़ जो है वो क्या साइज़ है इसका। और बैटरी इसमें 9 सेल लगी हुई है, बाकी इसकी डिटेल आपको मैं पूरी दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या डिटेल लगी हुई है। जी तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखें हमारे पास एक साउंड जैक की ऑप्शन है, इसमें 3.5 mm जैक की ऑप्शन है। इसमें आप आम नॉर्मल हैंड फ्री भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड नंबर पे यहाँ पे HDMI हाई डेफिनेशन की पोर्ट है, यहाँ पे एक इंटरनेट लैन केबल की ऑप्शन है, यहाँ पे एक सी केबल की ऑप्शन मौजूद है जहाँ से आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और साथ में VGA केबल जो है बड़ी LCD लगाने के लिए, और HDMI भी आप फुल रेजोल्यूशन पर कोई भी बड़ी LED चला सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर प्रोसेसर जो है इसकी ग्रिल लगी हुई है। अगर दूसरी साइड की बात करें, आपको दूसरी साइड दिखाएं, तो दूसरी साइड ये देखें, दूसरी साइड में हमारे पास एक स्टैंडर्ड चार्जर जो है लिनोवो का, ओल्ड मॉडल जो है, ओल्ड स्टैंडर्ड पिन जो इसकी आती है वो उसमें है, और प्लस हमारे पास CD रोम की ऑप्शन मौजूद है, स्टैंडर्ड CD रोम इसमें लगा हुआ है, और USB 2.0 की ऑप्शन इसमें मौजूद है। अगर इसकी बैक साइड की बात की जाए तो बैक साइड पे प्रोसेसर ग्रिल जो है वो लगी हुई है, और यहाँ पे बैटरी जो है वो आपकी 9 सेल बैटरी जो है वो लगी हुई है। यहाँ पे इसमें USB 2.0 की ऑप्शन है सेकंड बैक साइड पे। और अगर पूरी डिटेल यहाँ पे आपको दिखाएं तो ये पूरा लैपटॉप ये है, और इसमें इसकी जो सीरीज़ है वो थिंक पैड है, मॉडल इसका है लिनोवो एज। तो यहाँ पे अगर आपको खोल के स्क्रीन दिखाएं इसकी, तो यहाँ पे आपको कीबोर्ड और स्क्रीन आपको देख रहे हैं। इसमें स्क्रीन 14.6 इंच स्क्रीन है इसकी, 14.6 इंच बड़ी स्क्रीन है। और यहाँ पे अगर इसको मॉडल नंबर आपको दिखाया जाए तो यहाँ पे थिंक पैड एज की जो ऑप्शन है ये इसका मॉडल नंबर है इसका। इसकी डिटेल जो है मज़ीद, ये इसके प्लास्टिक के दोनों हिंज लगे हुए हैं, एक यहाँ पे पावर बटन की ऑप्शन है, और इसमें कीबोर्ड जो है वो बिल्कुल फ्लैट कीबोर्ड लगा हुआ है, और जहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाती है टच पैड की, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक इसमें लगा हुआ है। यहाँ पे इन्होंने स्क्रीन के अंदर ही इसके स्पीकर जो हैं वो स्क्रीन के अंदर ही इसके स्पीकर दे दिए हैं, सबसे ज़बरदस्त जो ऑप्शन ये है। और इसमें एक कैमरे की बहुत अच्छा कैमरा जो है, एक कैमरे की भी इसमें ऑप्शन है जो कि आपका वेब कैम। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इसमें वेब कैम की ऑप्शन भी मौजूद है, इसमें वेब कैम भी आपको मिल जाएगा। बाकी आपने साइज़ इसका देख लिया है, स्टैंडर्ड साइज़ है लैपटॉप का। अगर आपको साइज़ दिखाया जाए तो ये देखें इसका साइज़ जो है वो बड़े ही लो बजट में बड़ा अच्छा जो और मुनासिब इसका जो है, इसमें जो आपको लो बजट में बड़ी ही हाई स्पेसिफिकेशन आपको इसमें मिलेगी। और ये साइज़ में भी जो लोगों को साइज़ का मसला था, साइज़ भी स्टैंडर्ड साइज़ है इसमें लैपटॉप का। तो दोस्तों अब आपको इसकी मज़ीद जो है स्पेसिफिकेशन जो है वो पूरी बताते हैं कि इसमें हार्ड रैम प्रोसेसर क्या क्या लगा हुआ है। जी तो दोस्तों अब आपको मैं इसकी पूरी जो है तफसील बताता हूँ कि इसमें प्रोसेसर कितना है। तो दोस्तों इसमें कोर i5 फर्स्ट जनरेशन प्रोसेसर है, और इसमें जो हार्ड है वो साटा है, स्टैंडर्ड हार्ड जो लगी हुई है वो 320 GB की है, और इसमें साथ जो रैम है वो 4 GB की रैम लगी हुई है, 14.6 इंच इसकी जो है वो स्क्रीन है। तो दोस्तों बड़ा ही अच्छा पैकेज है ये, आप किसी भी मार्केट से 12 से 14 हज़ार रुपये का आसानी से ख़रीद सकते हैं। इसमें जो स्क्रीन साइज़ है उसकी वजह से इसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है, और ये बहुत ही मुनासिब रेंज में बड़ा अच्छा लैपटॉप है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, और हम टेक्नोलॉजी का इलम पूरी सच्चाई के साथ आपके लिए लाते हैं, और ये आपके लिए बड़ी मेहनत के साथ बड़ी जब मार्केट से पूरा रेट कन्फर्म करके फिर आपको हम कन्फर्म करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।